अल्लाम अलैक असलकुम कैसे हैं भाई सब लोग क्या हालचाल हैं इस्टाट करें हलो वालेकम ओके क्या पढ़ा था भाई हमने आ जाए आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ हमने इंजाइम को इस्टाट किया था एंजाइम का ये थोड़ा बहुत इंट्रो लिया था एक्टिवेटर का को इन्जाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप का मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आज स्टार्टिंग में ही आपको मुझे कौन बताएगा कि मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है और कौन बताएगा आयरन किसका एक्टिवेटर है ये दो आपने बताने हैं और एन ए डी कहाँ परज अ कोजाइम यूज़ होता है कोई इंजाइम का नाम बताएं एफ ए डी कहाँ पर एज अ कोज़ाइम यूज़ होता है कोई भी नाम बताएं प्रोस्थेटिक ग्रुप में साइटोक्रोम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो यूज़ होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में ये बताएं कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि साइटोक्रोम को एज एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच करता है ये कहाँ पर लोकेट होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम पे होता है और इसका क्या क्या काम है इसको ऑक्सीडेज क्यों कहते हैं इस एंजाइम को ठीक है ना वॉइस नहीं आ रही भाई कौन कह रहा है निम्रता आपके पास प्रॉब्लम है सारे बच्चे सुन रहे हैं रिप्लाई दे रहे हैं बता रहे हैं आपके यहां कोई प्रॉब्लम है ठीक है ना ओके हाँ सिद्धांत भाई आ रही है भाई वाइस बिल्कुल ये भाई हो गया उसके बाद आगे चलते हैं आप मुझे बताएं मुझे बताएं ये सारी चीज़ें हो गई लोकेशन के हवाले से मुझे बताएं मेम्ब्रेन पर एंजाइम क्यों बाउंड होते हैं चैन में लोकेशन में मेम्ब्रेन पर इंजाइम क्यों बाउंड होते हैं चैन में ये आपको चीज़ बतानी है कमेंट में बता दें और उसके बाद ये मैंने पढ़ी हुई हैं एंजाइम स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को कैसे कैसे स्पीडअप करता है केमिकल रिएक्शन को बहुत सारी डिटेल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी एक्टिवेशन एनर्जी में लोकल कंडीशन क्या है हमने पढ़ी थी लोकल कंडीशन एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने अंदर लेकर अपना एनवायरनमेंट बनाकर प्रिसाइज ओरिएंटेशन बनाकर वहाँ पे सबस्ट्रेट को कैटलाइज करता है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती ज़ाया नहीं होती मखसूस थोड़ी बहुत एनर्जी यूज करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है ना तो रिक्वायर स्माल अमाउंट में एंजाइम होते हैं रीयूज होते हैं ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी थाउजेंड्स रिएक्शन भाई आपके सेल में चल रहे हैं ये हमने चीज पढ़ी थी और इन थाउजेंड रिएक्शन को चलाने के लिए अगर आपको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या आप अपनी बॉडी को हीट देंगे क्या एक रिएक्शन हो तो हीट से काम चला लें थाउजेंड रिएक्शन एट अ टाइम सेल में हो रहे हैं आप हीट नहीं दे सकते आपके बॉडी का टेम्परेचर लाजमी भी है टेम्परेचर क्यों लाजमी था हमने पढ़ा था मालिक्यूल की मोशन के लिए रेंडम मोशन के लिए मालिक्यूलर कोलोजन के लिए टेम्परेचर ज़रूरी था मगर एंजाइम भी ज़रूरी थे क्योंकि एंजाइम थोड़े वक्त में थोड़ी एनर्जी खर्च खर्च करके इतनी की जगह इतनी एनर्जी खर्च करके हमें वो रिएक्शन करके देते हैं टाइम भी बचाते हैं हमारा एनर्जी भी बचाते हैं लोकल कंडीशन बना लोकल कंडीशन का पड़ा था मॉलिक्यूलर कोलिजन इनक्रीज होगा जब एंजाइम काम करेंगे एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आएगा तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा अट्रेक्शन बढ़ जाएगी रिएक्शन जल्दी में होगा लीस्ट एनर्जी चाहिए इंजाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कौन बताएगा स्टेबल है और अनस्टेबल है बताएं ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है या अनस्टेबल है कौन बताएगा भाई अभी बताएं ये बात ये अभी अभी के अभी बताएं अनस्टेबल सुगंध सुगंध सारे कह रहे हैं अनस्टेबल एक बच्ची ने कहा है एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि स्टेबल है क्यों भाई क्यों स्टेबल है अनस्टेबल है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट किसको कह रहे हैं जब एक्टिव साइट में बॉन्डिंग टूट रही हो और नई बॉन्डिंग बन रही हो मतलब सबस्टेट सबस्टेट नहीं रहा प्रोडक्ट भी नहीं बना कन्वर्जन हो रही है तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट के लिए एनर्जी जो चाहिए मुझे बताएं उस एनर्जी को क्या कहते हैं ये भाई हमने पढ़ा था ये फ्री एनर्जी है ये फ्री एनर्जी ये इतनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है चाहिए सब्सट्रेट को प्रोडक्ट करने के लिए मुझे कौन बताएगा ये ट्रांजिशन स्टेट विद एंजाइम है ये ए वाली और ये ट्रांज़िशन स्टेट जो है ये बी वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है बी ए और बी में से एंजाइम वाली ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है ए वाली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ पे ज़्यादा चाहिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद एंजाइम या विदाउट एंजाइम ए और बी वेरी गुड बी उसके बाद भाई मुझे बताएं ये देखें एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ये यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक लगी ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम यहाँ से यहाँ तक लगी ठीक है ना इसका मतलब क्या था एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऊपर है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नीचे है इसका मतलब रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट में कम है इसका मतलब क्या है कौन सा रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सा है ये वालेकुम अस्सलाम आरेश भाई अभी अभी स्टार्ट किया है रिवीजन कर रहे हैं आप आ गए हैं ना ओके अब ये कौन सा रिएक्शन होगा ये कौन सा रिएक्शन होगा कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये ऊपर प्रोडक्ट की है ये कौन सा रिएक्शन होगा ओके वेरी गुड भाई जो मैंने पढ़ाया था वो बिल्कुल ये एक्स एक्सिस किसको शो कर रही है और वाई एक्सिस किसको शो कर रही है यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी समझाने में बताएं ये रिएक्शन की प्रोग्रेस के को शो कर रही है प्रोडक्ट को शो कर रही है और वाई जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी को शो कर रही है बिल्कुल फ्री एनर्जी को शो कर रही है वेरी गुड भाई आगे चलें आगे चलें चलो आज हमें पढ़ना है क्या द मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई आज के लिए आज का जो टॉपिक है ना ये आपका बहुत मक्खन और मलाई वाला हाँ सिद्धांत की और लाख पढ़नी है हैंड और ग्लव्स पढ़ने हैं मतलब फिशर की थैरी पढ़नी है पोश की थैरी पढ़नी है आ जाएं पहले ये बताएं मुझे केटालिसिस का क्या मतलब है भाई केटालिसिस का केटालिसिस का मतलब है मकैनिज्म ऑफ एक्शन केटालिसिस का मतलब है मोड ऑफ एक्शन या केटालिसिस का मतलब है मकैनिज़म ऑफ एक्शन मकैनिजम ऑफ एक्शन एंजाइम के काम करने का ढंग काम करने का तरीका उस सारे मोड को मकैनिज्म को हम केटालिसिस कहते हैं ये तो बात आपको आपने पढ़ी हुई है इंजाइम होगा क्या होगा इंजाइम होगा और सबस्ट्रेट होगा एंजाइम सबस्ट्रेट ये आपस में मिल जाएंगे तो कहेंगे एंजाइम इस स्टैंड फॉर सबस्ट्रेट दोनों का बन गया कॉम्प्लेक्स ये एंजाइम ये प्लस में सबस्ट्रेट आपस में मिल गए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओके इंजाइम क्या करेगा बताएं कौन बताएगा यहाँ पे एक सवाल मुझे ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया है किसने बनाया है भाई आप कहेंगे सर एक्टिव साइट ने बनाया है एक्टिव साइट में दो पार्ट हैं एक पार्ट को कहते हैं बाइंडिंग साइट दूसरे पार्ट को कहते हैं केटालाइटिक साइट अब मुझे बताएं एक्टिव साइट में से बाइंडिंग किसने की है बाइंडिंग साइट ने और जब सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो इस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी साइड काम करेगी एक्टिव साइट की बताएं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कौन सी साइड कन्वर्ट करेगी कैटालाइटिक साइड तो एक्टिव साइड के अंदर दो पार्ट हैं मुझे बताएं हाईली स्पेसिफिक कौन सी साइट है एक्टिव साइट में से बाइंडिंग या कैटालिटिक हाईली स्पेसिफिक एक बात बताऊं मैं सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट जैसा कोई और बाइंड हो सकता है मगर सबस्ट्रेट के अलावा कोई और चीज कैटालाइज नहीं हो सकती अब बताएं स्पेसिफिक कौन होगा गया केटालाइटिक साइट वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बचे हैं आप कैटालिटिक साइट इज मोर स्पेसिफिक देन द बाइंडिंग साइट आप देखेंगे ना मिमिक्स आके अटैच हो जाएंगे फिर एंजाइम की कैटालिटिक साइट कह के गया, अरे भाई ये क्या कौन लेके आए हैं आप

यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी इंजाइम को काम करने के लिए स्टार्ट करने के लिए सबस्ट्रेट को अनस्टेबल्स बनाने के लिए अनस्टेबल से प्रोडक्ट में ट्रांसफर करने के लिए वो एनर्जी क्या है वो मुझे बताएं और वो यूज़ करेगी कैटालिटिक साइज ओ साइट उसके बाद ये भाई आपका बन गया सबस्ट्रेट कन्वर्ट का हो गया किसमें प्रोडक्ट में ये रेड वाला प्रोडक्ट शो किया है मैंने ठीक है ना तो ये इन्जाइम वही का वही और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक साइट तो ये आपका जो प्रोडक्ट है यहां से मुझे बताएं प्रोडक्ट की जो शेप हो जाती है ना वो चेंज हो जाती है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की शेप चेंज हो जाती है आप देखें माल्टोज माल्टोज सबस्ट्रेट है किसमें कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में अब बताएं माल्टोज और ग्लूकोज ग्लूकोज की सेम शेप होगी नहीं ना तो जब माल्टोज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में तो एंजाइम उसको रखेगा नहीं कहेगा भाई निकले कौन है आप प्रोडक्ट को कहेगा निकल जाए जल्दी जल्दी तो एंजाइम खुद प्रोडक्ट को निकाल के छोड़ेगा बल्कि प्रोडक्ट की बनेगी ही नहीं प्रोडक्ट की बनेगी ही नहीं एंजाइम क्या करता है बॉन्डिंग को तोड़ के किसी और चीज़ को वहां पे ऐड करके नहीं सही बॉन्डिंग बना के उस सबस्ट्रेट को चेंज करके देते छोड़ता है और जो चेंज होती है वो प्रोडक्ट कहते हैं और वो चेंज होता है वो बाइंड नहीं होता वो निकल जाएगा तो प्रोडक्ट ये आपका निकल गया अकेला बचा एंजाइम अभी एंजाइम रेडी है किसके लिए फिर दोबारा सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो ये चीज़ चलती रहेगी चलती रहेगी एंजाइम और सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट को रिलीज करेगा फिर काम करेगा इसलिए आपने पढ़ा था एंजाइम की जरूरत पड़ेगी कम ठीक है ना अभी भाई ये जो मैंने आपसे बात की है ना ये जो मैंने आपसे बात की है ये बात ना आपको ध्यान से समझनी है कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ आज मैं ये आपसे बातें क्यों कर रहा हूँ मैं आज को आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडल्स कैटालिसिस कैटालिसिस यानी कैटालिसिस का मतलब क्या था एंजाइम के फंक्शन करने का मोड या फंक्शन करने का मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म दो टाइप के हैं एक को हम कहते हैं की एंड लॉक मैकेनिज्म इसको हम की एंड लॉक हाइपोथेसिस भी कहेंगे थैरी नहीं कहेंगे ला तो किसी को भी नहीं कहते हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा आपको आखिर में देखें भाई सबसे पहले एंजाइम के मोड के लिए जो बात की है वो फिशर नाम के साइंटिस्ट ने की है 1890 में 1890 ईमेल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने एंज़ाइम के काम करने का ढंग बताया है मोड बताया है जिसको उसने नाम दिया है की एंड लॉक की एंड लॉक हाँ ईमेल फिशर की एंड लॉक का मतलब है कि जो एंजाइम है वो की है और जो सबस्ट्रेट है वो लॉक है सिंध के अकॉर्डिंग ये बात उल्टी है पीएमसी में सवाल पूछा गया है मैं वो चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ जो पीएमसी में पूछी गई हैं और जो चीज़ें पीएमसी के अकॉर्डिंग है ठीक है ना तो हाँ डोंट कंफ्यूज तो एंजाइम की है और सबस्ट्रेट लॉक है भाई ये देखें ये आपकी बन गई की ऐसी होती है ना भाई की की का ये जो नोच वाला एरिया है ये वाला ये नोच वाला एरिया रिजेंबल है एक्टिव साइड से मतलब इसको एक्टिव साइड कह रहे हैं भाई लॉक किससे खोलेंगे इस नोच वाले एरिया से या इस एरिया इस से इससे ना तो ये एक्टिव साइट बन गई की का ये जो पार्ट है इसको आप कहेंगे एलोस्टेरिक साइट तो ये आपकी की साइट है ये एलोस्टेरिक साइट है बात समझ आ गई अब इस पर्टिक्यूलर की से हम पर्टिक्यूलर पर्टिक्यूलर एक लाक को पुराने जमाने वाला लाक बना रहा हूं ठीक है ना नया नहीं बनाने आ रहा तो ये लॉक है आपका इसकी को पर्टिकुलर की को, को यूज़ करके यहाँ पे लगाएंगे तो ये सबस्ट्रेट की वो जगह है जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे यानी की और लॉक बाइंड करेंगे फिर की किसको खोलेगी लॉक को मतलब एंजाइम किसको तोड़ेगा जोड़ेगा कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को तो की एंड लॉक के अकॉर्डिंग एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर हैं मतलब पर्टिक्यूलर की चाहिए पर्टिकुलर लॉक के लिए छोटी की या डिफरेंट की हो पर लॉक को नहीं खोल सकती जिसमें नोच स्पेसिफिक हो वो नोच मैच करेगी नोच का मतलब एक्टिव साइड वही लॉक को खोलेगी समझ आ रही है ना बात बिल्कुल इजी है यार देखें अभी अभी इंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर है एक और बात जो मैं फिट मॉडल में कहूंगा इनकी एक और बात है सब्सटेट कंप्लीमेंट्री होना चाहिए कंप्लीमेंट्री होना चाहिए कंप्लीमेंट्री का मतलब है आसानी से कंपैक्टली टाइटली बिल्कुल फिट हो जाए मतलब ऐसा ना हो कि सब्सट्रेट बड़ा हो मतलब लॉक बड़ा हो की से तब भी नहीं खुलेगा या सब्सट्रेट छोटा हो लॉक छोटा हो की से तब भी नहीं खुलेगा दोनों की साइज़ कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए ताकि वो आपस में आसानी से फिट हो जाएं जैसे सांचा टेम्पलेट होता है तो इसने की एंड लॉक वाले ने एंजाइम और सबस्ट्रेट को टेम्पलेट कहा है अब टेम्पलेट किसको कहेगा टेम्पलेट किसको कहेगा किसके लिए टेम्पलेट का मतलब है सांचा जो सिले लगाते हैं ना मजदूर या आप लेमन को निचोड़ें तो आपको एक सांचा चाहिए टेम्पलेट चाहिए इसमें ग्रूव होता है उसमें आप लेमन को रखते हैं और आप लेमन को फोर्स करते हैं तो वो लेमन निचूट जाता है मतलब उनकी दोनों की शेप जो होगी कंप्लीमेंट्री होगी तभी वो लेमन आपका फिट होगा अगर वो ग्रूव छोटा हो, बड़ा लेमन लेके आए, एप्पल वहां पे डालें तो नहीं डलेगा तो ऐसे ही इंजाइम टेम्पलेट है सांचा है ग्रूव है उसमें वो लेमन आपका या मजदूर वाली जो सिल मजदूर सिले लगाते हैं ना वो एक लकड़ी का ईंधन का लकड़ी का एक चौका बना होता है वो उसमें मट्टी डालते हैं मट्टी को निकालते हैं तो वो सिल बन जाती है तो वो मट्टी जो है उस चौके में पड़ती है लकड़ी के बने हुए फ्रेम में पड़ती है वो फ्रेम जो है वो सांचे टेम्पलेट के तौर काम करता है ठीक है ना सबस्टेड लेमन हो गया वेरी गुड तो यहाँ पे जो टेम्पलेट है मतलब ग्रूव है खाना है खांचा है चैंबर है वो एंजाइम को है ठीक है ना अभी भाई एंजाइम यहाँ पे यहां पे गौर से एंजाइम रिजिड स्ट्रक्चर है तो देखें ये एंजाइम की एक्टिव साइड की शेप देखें भाई एंजाइम की एक्टिव साइड की शेप देखें सबस्ट्रेट की से शेप देखें आपस में कंप्लीमेंट्री है बिल्कुल एक जैसी है तभी बाइंड की है अगर सबस्ट्रेट की शेप ऐसी होती अगर इस सबस्टेट की शेप अगर इस सबस्टेट की शेप ऐसी होती तो बाइंड करता लॉक चेंज हो गया नहीं करता तो ये कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए अभी इंजाइम रिजिड है तो एक्टिव साइड में जब सब्सट्रेट बाइंड किया है तो एक्टिव साइड में चेंज आई है आगे चलते हैं एक्टिव साइड में चेंज आई है देखे नहीं भाई कोई चेंज नहीं आई यहां पे भी वैसे की वैसी यहां पे भी वैसे की वैसी यहां पे भी वैसे की वैसे यानी बिफोर रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन एंजाइम में देयर इज नो चेंज बिकॉज एंजाइम आर रिजिड स्ट्रक्चर रिजिड होंगे तो एंजाइम में चेंज नहीं आएगी एंजाइम हार्ड है एंजाइम में अकड़ है एंजाइम फ्लेक्सिबल नहीं है तो एंजाइम अपने आप को इंड्यूस नहीं करेगा चेंज नहीं करेगा स्पेसिफिक सब्स्ट्रेट आएगा तो बाइंड करेगा सब्जेट थोड़ा सा भी चेंज होगा तो नहीं करेगा बाइंड उसके बाद एंजाइम और नॉन रेगुलेट ये मैं चीज बता रहा हूं आपको ये याद रखें माल्टेज और सुक्रेज जो एंजाइम है ये आपको कमेंट में करना है सुक्रेज सक्रोज को किसमें कन्वर्ट करता है माल्टेज माल्टोज को किसमें किसमें कन्वर्ट करता है दोनों डायसक्राइड है डायसेक्राइड के एंजाइम सुक्रेज और माल्टेज माल्टोज के एंजाइम माल्टेज का काम क्या है ये दोनों जो एंजाइम है हाईली स्पेसिफिक है और ये की एंड लॉक को फॉलो करेंगे अब मुझे बताएं की एंड लॉक के अकॉर्डिंग एंजाइम स्पेसिफिक होंगे हाईली या लेस स्पेसिफिक होंगे एक से दो तीन सब्सटेट को कैटालाइज करेंगे या सिर्फ एक के की सब्स्टेट को कैटालाइज करेंगे पहला लेक्चर सुना हुआ है पढ़ा हुआ है तो आप बताएंगे वेरी गुड हाईली स्पेसिफिक है ओनली वन सब्स्टेट को यूज करेगा भाई यहाँ तक आपकी की एंड लॉक थेरी का कॉन्सेप्ट हो गया बाकी जो कंपेरिजन है वो मैं आपको करवा के छोड़ूंगा अभी मेरी बात गौर से सुने मैं आपको एक और मॉडल दिखा बस दिखाना है आपको यार क्या पढ़ाना सिंपल चीज़ें हैं बिल्कुल मक्खन टाइप हैं सारी चीज़ें हलवे टाइप हैं सारी चीज़ें अब यहाँ पे फ़र्क देखें छोड़ें इस इंड्यूस फिट मॉडल को ये क्या कह रहा है इसको छोड़ें फ़र्क देखें ये क्या है एक्टिव साइट है ये क्या है सबस्ट्रेट है ये इंजाइम है एक्टिव साइड की शेप देखें सब्सट्रेट की शेप मैच कर रही है नहीं मैच नहीं है मतलब बिफोर मैचिंग नहीं है मेरी बात को जवाब देते जाए फिर मैं हम थेरी पे आते हैं मैचिंग नहीं है मगर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये देखें सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइड मैच हो गई भाई किसने चेंज किया है अपने आप को क्या सबस्ट्रेट ने चेंज किया है सबस्ट्रेट तो वैसा का वैसा है किसने चेंज किया है अपने आप को एंजाइम ने चेंज किया है तो एंजाइम 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 कैसा होगा एंजाइम भाई मुझे बताएं एंजाइम कैसा होगा फ्लेक्सिबल होगा या हार्ड होगा फ्लेक्सिबल होगा या हार्ड होगा एंजाइम अपने आप को क्या करेगा इंड्यूस करेगा और इंड्यूस मतलब अपने आप को चेंज करेगा और फिट करेगा किसके साथ सब्सट्रेट के साथ फिट होगा सब्सट्रेट को अपने साथ फिट करेगा इंड्यूस करके और इंड्यूस करने की कैपेसिटी तभी होगी जब एंजाइम फ्लेक्सिबल है तो ग्लव्स हमारे एंजाइम के जैसे हैं और हाथ हमारे सबस्ट्रेट के जैसे हैं इंड्यूस फिट मॉडल में ग्लव्स और हैंड्स का कंपैरिजन देख लें ग्लव्स अगर आपके वो जो वो शापर टाइप होते हैं मेडिकल ग्लव्स लेबॉर्टरी में ग्लव्स सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं ना जितने भी लंबे हाथ हों पहन लें तो वो बेचारे बलून टाइप होते हैं बड़े हो जाते हैं ठीक है ना तो ग्लव्स एंजाइम है या हैंड एंजाइम है बताएं कमेंट में बताएं कौन इंड्यूस करेगा आपने आपको ग्लव्स या हाथ हाथ छोटे बड़े होंगे या ग्लब्स वेरी गुड वेरी गुड ग्लब्स का अंदर वाला पोर्शन एक्टिव साइट है या बाहर वाला अंदर वाला ओए बच्चे वेरी गुड वेरी गुड यार आप तो माशाला, माशाला हैं आप अच्छा इंजाइम मैं आपको बता रहा हूं चीज ये लेस स्पेसिफिक जो बात कही थी ना वहाँ पे बात आएगी अच्छा छोड़ें इसको छोड़ें ये पॉइंट पूरी करें एंजाइम ने चेंज किया आपने आपको एंजाइम सब्सिट कॉम्प्लेक्स बना ये एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम ने क्या बनाया ये प्रोडक्ट बन गया एंजाइम प्रोडक्ट में से ये आपके प्रोडक्ट रिलीज हो गए एंजाइम वैसा का वैसा भाई अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी फ्लेक्सिबल चीज़ नहीं पड़ी अगर पड़ी होती तो मैं आपको करके दिखाता सुने देखें ये इंजाइम है ये एंजाइम की एक्टिव साइट है ये ठीक है ना ये सबस्ट्रेट से बाइंड हुई ये सबस्ट्रेट से बाइंड होकर सबस्ट्रेट को कवर कर लेगी ऐसी थी सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद सबस्ट्रेट को कवर कर लेगी तो लोकल कंडीशन बनेगी ना भाई मुझे बताएं एक्टिव साइट और सॉरी फिट मॉडल थेरी और की एंड लॉक के अकॉर्डिंग लोकल कंडीशन कौन सही बनाएगा बताएं कमेंट में लोकल कंडीशन कौन सही बनाएगा एनर्जी कौन कम यूटिलाइज करेगा वेरी गुड इंड मॉडल को छुपा लेगी छुपा लेगी तो अपना एनवायरमेंट बन जाएगा वहां पे थोड़ी एनर्जी से को तोड़ा जाएगा जोड़ा जाएगा, जो भी किया जाएगा की मतलब किया जाएगा। अच्छा तो सब्सट्रेट रिलीज हो गया अब मुझे बताएं फिट मॉडल एंजाइम जो है वो सेम है ड्यूरिंग रिएक्शन एंजाइम जो है चेंज है देखें बाइंड किया केटालाइज किया इस दो और वन और टू में से कौन सी जगह पे है जहां पे केटालाइटिक साइट ने काम किया है कौन सी जगह है जहां पे बाइंडिंग साइट ने काम किया है कमेंट में लिखें भाई वन और टू में यहाँ पे बाइंडिंग हुई है यहां पे केटालासिस हुई है ठीक है वेरी गुड तो यहाँ पे इंजाइम सेम है कोई चेंज नहीं सब्सेट को बाइंड करने के बाद एंजाइम ने चेंज की है कैटलाइज करने से भी चेंज है जब प्रोडक्ट रिलीज हो गया तो एंजाइम वैसा का वैसा एंजाइम फिर से क्या हो गया सेम हो गया फ्लेक्सिबल है सबस्ट्रेट नहीं आया तो ऐसे सबस्ट्रेट आया तो चेंज हो गई कैटलाइज किया तो चेंज है सबस्ट्रेट निकल गया तो निकल गया तो एंजाइम वैसा का वैसा खुला मुंह रह गया एंजाइम का आए सबस्ट्रेट आए आए तो क्या करूं लोकल कंडीशन बना लूं कैटलाइज कर लूं फिर निकाल दूं वैसा का वैसा बन जाऊं तो ये कौन सी जगह है बिफोर रिएक्शन ये कौन सी जगह है बाइंडिंग साइट कैटालिटिक साइट मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन सबस्ट्रेट निकल गया एंजाइम वैसा का वैसा रह गया यह कौन सी जगह है आफ्टर रिएक्शन ठीक है ना तो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन एंजाइम सेम होगा ड्यूरिंग रिएक्शन एंजाइम अपने आप को चेंज करके रखा होगा एंजाइम ने तो ये आपकी थ्योरी अब क्या कह रही है सुने इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी का मतलब है ये मॉडल है इसको हम थ्योरी कहते हैं इसको हम हाइपोथेसिस नहीं कहते क्योंकि ये मोर वैलिड है इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एंजाइम जो काम कर रहे हैं की एंड लॉक को थोड़े बहुत एंजाइम हैं जो आ, मान रहे हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं तमाम हमारे बॉडी के जो एंजाइम है वो इंड्यूस फिट मॉडल पे काम करते हैं और जो इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब है एंजाइम जो है वो अपने आप को फ्लैक्बल होने की वजह से इंड्यूस करते हैं सबस्ट्रेट भले छोटा हो सबस्ट्रेट भला थोड़े बड़ा हो एंजाइम बाइंड करेगा इंड्यूस फिट मॉडल थेरी के अकॉर्डिंग है ना सब्सिट थोड़ा बहुत चेंज हो एक सबस्ट्रेट हो उससे भी बाइंड करेगा इससे मैचिंग मैचिंग दूसरा सबस्ट्रेट हो उससे भी बाइंड करेगा इससे मैचिंग मैचिंग तीसरा सबस्ट्रेट हो उससे भी बाइंड करेगा उसे भी कैटालाइज करेगा मतलब इट मीनस वन एंजाइम कैन कैटालाइज मोर देन वन रिएक्शन तो ये और इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी ये कह रही है कि एंजाइम जो है वो सही जो कॉन्सेप्ट है वो इंड्यूस फिट मॉडल थेरी इसको हम थेरी कहते हैं थैरी और आपस में क्या फ़र्क है मोर साइंटिफिकली कौन है मोर अप्रूवल कौन है थैरी या हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो भी अपनी जगह पे सही है उसने भी कुछ प्रूफ दिए हैं कुछ उनके ऑब्जर्वेशनस हैं मगर ये थैरी है अभी ला कोई भी नहीं है ला कोई भी नहीं फ्यूचर में ऐसा वक्त आएगा कि एंजाइम की कोई ला बनाएगा बाई वेट मॉडल भी गलत फॉर एग्जाम्पल की एंड लॉक भी गलत और ये फाइनल कॉन्सेप्ट हैं तो ये खत्म हो जाएंगे या उसमें मर्ज हो जाएंगे वो जो फाइनल बात होगी जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होगी उसको क्या कहेंगे उसको किसी मॉडल को आप नाम देंगे मसलन आप में से कोई साइंटिस्ट है हरेश बैठा है सिद्धांत बैठा है या कोई रात बैठा है ये साइंटिस्ट है या कोई यहां पर कोई बची है वो साइंटिस्ट बनेगी उसका मॉडल का नाम लगाकर हम उसे ला कह देंगे भाई ये इसने ला दिया ठीक है ना सैफुल्ला भाई बैठे हैं ठीक है ना तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे हाँ माट आई हम इनशा सिद्धांत इनशाला अचो आ जाए भाई इंजाइम अब रेगुलेटरी कैसे हो गए थोड़ी बात है मैं यहाँ पे रेगुलेटरी की बता रहा हूँ बाकी रेगुलेटरी की बात मैं में इन्हेबिशन में बताऊँगा रेगुलेटरी का यहाँ पे मकसद ये है कि एक इंजाइम एक से बहुत सारे रिएक्शन कर सकता है बहुत सारे रिएक्शन का ये ना वो वो ना वो काम चला लेगा इसीलिए ये रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं इंजाइम नेचर के हैं। अब मुझे बताएं अगर यहां पर समझ रहे हैं ना आप एलोस्टेरिक साइड पे इनबिटर अटैच हो ये इंजाइम है भाई आपका की एंड लॉक के अकॉर्डिंग की एंड लॉक के अकॉर्डिंग यहां पर अटैच है तो क्या एक्टिव साइड में चेंज आएगी ये इंजाइम है ये आपकी की यहां पे इनबिटर अटैच हो रहा है एलोस्टेरिक साइड पे ये कौन सी साइट है एलोस्टेरिक साइट है तो इसमें चेंज आएगी क्या एक्टिव साइट में नहीं तो एंजाइम की एंड लॉक के अकॉर्डिंग एलोस्टेरिक साइट की कोई वैल्यू नहीं है एलोस्टेरिक साइट रेगुलेट नहीं करेगी एंजाइम को रोकेगी नहीं मगर इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इनहिबिटर आया तो एक्टिव साइट में चेंज आएगी जैसे ना वो कैंची होती है काटने वाली घुमाते इधर से आते हैं पीछे से चेंज आगे से आती है आगे से करें तो चेंज पीछे आती है तो भाई इंजाइम फ्लेक्जिबल है ना इंजाइम फ्लेक्जिबल है जब पीछे से कोई फोर्स लगाएगा तो आगे से चेंज आएगी आगे से चेंज तो पीछे से चेंज आएगी तो ये देखें स्ट्रक्चर और ये देखें कितनी चेंज पूरे एंजाइम में चेंज आ गई है तो एंजाइम में एलोस्टेरिक एलोस्टेरिकसाइड की इंपॉर्टेंस है कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्यों इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी को मानता है बताएं कमेंट में बताना है आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कार्बोनिक एनाइड्रेज हेमोग्लोबिलिन और ऑक्सीजन का आपस में बांड बनाता है यानी यह आर के अंदर काम करता है कार्बोनिक एनाइड्रेज ऑक्सी हेमोग्लोबिलिन बनाता है ऑक्सी कंपाउंड मतलब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिलिन ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिलिन से जोड़ता है यह कार्बोनिक एनाइड्रेज का काम है आपने मुझे ये बताना है इसकी पी कितनी होगी ब्लड का एंजाइम है ब्लड की पी याद है ना नहीं याद उसके बाद कार्बोनिक एनाइड्रेज का एक और काम है सी ओ टू और को कार्बोनिक एनाइड्रेज जो है कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है सी ओ टू और एस टू को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है फिर कार्बोनिक एसिड को कार्बोनेट आइंस में कन्वर्ट करता है तो ये जो है एक से बहुत सारे रिएक्शन कर रहा है काम की बात ये काम की बात ये एक से बहुत सारे रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं तो सबस्ट्रेट ये सीओ टू ए स्टो को भी यूज़ कर लेगा ऑक्सीजन को भी यूज़ कर लेगा इसका मतलब ये कौन सी थैरी को फॉलो कर रहा है और लेस स्पेसिफिक हो गया या हाईली स्पेसिफिक हो गया अगर हाईली स्पेसिफिक है तो क्यों लेस स्पेसिफिक है तो क्यों आप कहेंगे सर लेस स्पेसिफिक है बिल्कुल कहा है आपने क्योंकि ये मोर देन वन रिएक्शन केटलाइज़ कर रहा है अपने आप को इंड्यूस करेगा चेंज करेगा फ्लेक्सिबल सारी प्रॉपर्टीज़ में है तो इंड्यूस फिट मॉडल थैरी को फॉलो कर रहा है और अगर मैं कहूं इंजाइम आर नॉन एलोस्टेरिक इंजाइम आर नॉन रेगुलेटरी इंजाइम आर आईली स्पेसिफिक तो मैं कौन सी थेरी को थेरी की बात कर रहा हूं कौन से मॉडल की बात कर रहा हूं की एंड लॉक की बात कर रहा हूं बिफोर रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन कोई भी चेंज नहीं होगी कौन सी थेरी की बात कर रहा हूँ ओके 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 आगे चलते हैं भाई मेरे ख्याल में यहां तक आपका क्लियर हो गया इज देर एनी डाउट चिल्लाओ यहां पे कैटालसिस कहाँ से आ गई फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी फैक्टर पढ़ेंगे भाई फैक्टर अफेक्टिंग एन्जाइम मैटिक एक्टिविट एक्टिवेशन एनर्जी जी बिल्कुल मैक्सावलानी बिल्कुल कार्बोनिक्रेज का पीएच मुझसे पूछ रहे हैं आप आपने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बताया तो था मैंने मेरे ख्याल में सेवन पॉइंट थर्टी फाइव से सेवन पॉइंट फोर्टी फाइव तक जो भी ब्लड के आपके इंजाइम्स हैं उनकी पी ये होगी भाई ठीक है ना की एंड लॉक में की एक्टाइजर लॉक की एक्टाइजर एंजाइम अ सबस्ट्रेट ब्लड का तो पता है सेवन है तो ब्लड का एंजाइम है ना भाई जनरली सेवन कहते हैं सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव ये पी है एक्चुअल ब्लड की ठीक है ना ओके okay. आ जाए आ जाए ये क्या पढ़ रहे हैं हम फैक्टर जो इंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे एक है उनमें से टेम्परेचर टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस बताएं बस छोड़ें अब अब छोड़ें यहाँ पे आ जाएं टेम्परेचर पे आ जाएं टेम्परेचर को पढ़ेंगे हम के अलावा पीएच को पढ़ेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे और इंजाइम की कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे ये चार फैक्टर पढ़ेंगे वाटर तो चाहिए ही चाहिए इंजाइन वाटर के अलावा रिएक्शन करेंगे नहीं वही टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है आप कहेंगे सर एक तो टेम्परेचर सोर्स है एनर्जी का दूसरा टेपरेचर सोर्स है एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी देता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के बीच मोशन रेंडम मोशन बढ़ता है मॉलिक्यूल मोशन करेंगे तो एंजाइम के सट्टे में आएंगे एंजाइम यूज़ करेगा उन्हें अगर टेम्परेचर गिरा लें तो मॉलिक्यूल मोशन नहीं करेंगे पता है टेम्परेचर मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है सबस्टेट को एक्साइट करता है फिर एक्साइटेड मालिक्यूल सटेज होते हैं अगर टेम्परेचर ना हो अगर टेम्परेचर ना हो तो मालिक्यूल एक्साइट नहीं होंगे मालिक्यूल में मोशन नहीं होगा मालिक्यूल में मूवमेंट नहीं होगी और जब मूवमेंट नहीं होगी तो एंजाइम से रिएक्ट करने की कैपेसिटी कम रखेंगे रिएक्शन कम होता जाएगा भाई पानी रखें पानी को हीट दें तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व चीज़ें होंगी वो मूवमेंट करती रहेंगी मूवमेंट करती रहेंगी मूवमेंट करेंगी रेंडम मोशन करेंगी तो इंजाइम और सब्सट्रेट का आपस में क्या होगा रिएक्शन होगा अगर इंजाइम है अगर नहीं है तो सब्सटेट का सब्सट्रेट से रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से आपस में रिएक्शन होगा मुझे मैंने पढ़ाई थी इंजाइम क्यों एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं मैंने ये चीज बताई वही इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर की ठीक है ना तो मुझे बताएं मालिक्यूलर कॉल्यूजन को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेगा टेम्परेचर रेंडम मोशन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ओके तो ये फेवर है सबस्ट्रेट को एक्साइट करेगा ये फेवर है एंजाइम की भाई क्या ज्यादा टेम्परेचर जरूरी है हद से ज्यादा फायदे का है नहीं हद से ज्यादा ओवर वायलेंस करेगा वाइब्रेशन करेगा जो कि एक्टिव साइड को तोड़ देगी अभी आ जाए ये आपके सामने ग्राफ बनी हुई है ये चीजें बाद में यहां पे आते हैं एक आपको बात समझनी चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे कहते हैं जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी जो हो वो मैक्सिमम एक्टिविटी हो इन्ज़ाइम एक्टिविटी कितनी करें मैक्सिमम एक्टिविटी करें उस टेम्परेचर को मैक्सिमम कहते हैं इंसान का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 सेवन सेंटीग्रेड है यानी नाइनटीन पॉइंट एट फॉरन और उसके बाद जो बर्ड्स हैं उनका 41 से 43 थ्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है बर्ड का और प्लांट का 25 से लेकर 30 तक या जनरली 20 से लेकर 30 तक प्लांट का टेम्परेचर होता है 45 तक भी काम करते हैं और एक बैक्टीरिया है जो 70 से लेकर 72 तक सरवाइव करती है नाम बताएं बैक्टीरिया का कौन सी बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस थर्मस एक्वाटिकस बॉइलिंग वाटर में सरवाइव करती है क्या सारी बैक्टीरियाज का ये टेम्परेचर है नहीं तो मुझे बताएं वो एंजाइम कौन से हैं सबसे इवॉल्व एंजाइम किसके हैं इंसान के बर्ड्स के प्लांट्स के या बैक्टीरिया के टेम्परेचर के रिकॉर्डिंग बैक्टीरिया के इवॉल्व है मोर स्टेबल है ठीक हो गया भाई एंजाइम की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी बॉन्डिंग के टाइप पे जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना एंजाइम मोर स्टेबल होगा हीट को टॉलरेट करेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी है मिनिमम टेम्परेचर क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है लॉ क्या है ये मैं पढ़ा रहा हूँ देखिए भाई ये आपका थर्टी सेवन पे एक्टिविटी हो रही है क्या मैक्सिमम तो ये हमारा क्या हो गया कौन सा टेम्परेचर हो गया ऑप्टिमम अगर टेम्परेचर को कम करेंगे कम करेंगे तो मुझे बताएं मालिक्यूल की एक्साइटमेंट कम होगी रेंडम मोशन कम होगा तो वेलासिटी ऑफ रिएक्शन वेलासिटी ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा कम ये जो वाई एक्सिस है क्या शो कर रही है विलासिटी ऑफ रिएक्शन ये जो एक्स एक्सिस शो कर रही है किसको शो कर रही है बताएं कमेंट में टेम्परेचर को तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो रेंडम मोशन बढ़ता जा रहा है मालिक्यूल मोशन कर रहे हैं एक्साइट कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं रिएक्शन क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एक लिमिट आएगी जिस लिमिट के बाद हमारे एंजाइम में स्टेबिलिटी नहीं होगी और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाते जाए टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज्यादा करेंगे तो क्या एक्टिविटी बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी क्यों गिरेगी एक्टिविटी क्योंकि हमारा जो एंजाइम है इतना स्टेबल नहीं है इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो जो मालिक्यूल का मोशन है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो आपस में टकराएंगे एंजाइम से टकराएंगे एंजाइम की बॉन्डिंग को तोड़ेगा टेम्परेचर एंजाइम को डीनेचर करेगा तो हायर टेम्परेचर पे एंजाइम डी होगा लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो लोअर टेम्परेचर में एंजाइम क्या होगा इनएक्टिव होगा भाई इनएक्टिव होगा मुझे कौन बताएगा इनएक्टिव और डीनेचरेशनमेशन में से परमानेंट चेंज कौन सी है ये भाई स्ट्रक्चर है एंजाइम की टर्शरी ये ये टर्शरी स्ट्रक्चर है एंजाइम की ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये सेकेंडरी ये अ होल को टर्शरी कह रहे हैं मुझे बताएं टेम्परेचर कौन सी बॉन्डिंग को तोड़ेगा पहले पहले हाइड्रोजन को या सल्फाइड को पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक को तो कौन सी स्ट्रक्चर टूटी हाइड्रोजन स्ट्रक्चर सेकंडर टूटी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूटी तो वो टर्शरी बचेगी क्या सेकेंडरी से इवॉल्व हुई है ना तो सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉडी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर को टेम्परेचर तोड़ेगा एक्टिव साइड को तोड़ेगा मतलब डी करेगा जब डी करेगा तो ये परमानेंट चेंज है ये डिस्ट्रॉय हो गया एंजाइम और ये अगर आप टेम्परेचर को अब कम कर लें 60 पे डी हो गया सपोज करें अब 60 से दोबारा वापस ले आए तो क्या रिएक्टिव होगा एंजाइम नहीं टूट गया भाई फिर राइबोजोम को ले आए जीन को ले आए आर को बनाएं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करें प्रोटीन से एंजाइम बनाए फिर जाके दूसरा एंजाइम आए वो काम करें वो भी टेम्परेचर नॉर्मल हो तो नहीं तो वो भी चला जाएगा किधर डी नेचर होकर टिकट कट जाएगी उसकी भी ठीक है ना तो मुझे बताएं अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर तक मिनिमम से मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएं सॉरी मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ जाएं मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ तो रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी भाई सुने दस सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे ना दस सेंटीग्रेड इनके अगर दस पे है और आप बीस पे कर रहे हैं तो जितना रिएक्शन है उससे डबल रिएक्शन बढ़ जाएगा वेलोसिटी रिएक्शन की डबल बढ़ जाएगी इस लॉ को कहते हैं क्यू टेन लॉ रेट डबल्स फॉर ईच टेन सेंटीग्रेड राइट इन टेम्परेचर ये पंजाब टेक्स्ट की ग्राफ है 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ तो डबल एनर्जी डबल वेलोसिटी बढ़ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा कौन बताएगा मुझे कौन बताएगा सुने सुने Q10 टेन ला कहते हैं भाई इसको Q10 टेन ला को इफिशंट क्यू टेन ला टेन सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से टुवर्ड्स तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ डबल हो जाएगा मेरी बात तो आपने सुनी नहीं मैं सवाल आपसे पूछ रहा था ये कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर से ऑप्टिमम की तरफ आए टेन टेम्परेचर को ऑप्टिमम की तरफ ले रिएक्शन बढ़ेगा बताएं नहीं क्यों क्योंकि हो गया है परमानेंट चेंज है अच्छा अब बताएं मिनिमम टेम्परेचर क्या है और मैक्सिमम टेम्परेचर भाई वो टेम्परेचर जहां पे लास्ट स्टेज में है एंजाइम मतलब इनएक्टिव होने से पहले सपोज करें फोर सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर फोर सेंटीग्रेड पे इंजाइम इनेक्टिव हुआ है अगर फोर से आप फाइव करें मतलब इंजाइम इनेक्टिव से क्या हो गया रिएक्टिव, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव जिस स्टेज पे है जिस स्टेज पे रिएक्टिव हुआ है उस स्टेज को कहेंगे मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पे मिनिमम टेम्परेचर पे एक्टिविटी क्या होगी बताएं मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी मिनिमम टेम्परेचर को ऐसे कहूं मैं वो टेम्परेचर जो इनएक्टिवेशन से एक सेंटीग्रेड पहले हो सही बात है या वो टेम्परेचर जिसके बाद इंजाइम इनएक्टिव हो जाए या इनएक्टिव इंजाइम का टेम्परेचर बढ़ाएं जब एंजाइम रिएक्टिव हो जाए तो उस फर्स्ट स्टेज को मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे सारी बातें एक ही हैं भाई जनरली फोर होता है और एंजाइम का चेंज होता है जनरली फोर एयर एंजाइम का चेंज होता है बैक्टीरिया वाले एंजाइम यहां तो इनएक्टिव नहीं होंगे ना भाई उनका तो ज्यादा होगा ना इनएक्टिवेशन वाला ठीक है ना अच्छा उसके बाद टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ये मैं पढ़ रहा हूं ये मैंने बता दिया लाइन आपको टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी सही है काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इंक्रीज इन हीट और टेम्परेचर इंक्रीज इन दॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल सही है बिल्कुल सही सही है. Therefore, reaction are accelerated at high temperature, सही है. सारी चीजें सही है ओके okay. रिएक्शन तो आए टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाए रिएक्शन बनेगा टेम्परेचर बढ़ाए रिएक्शन बढ़ेगा अगर एंजाइम ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके तो एंजाइम इससे भी ज्यादा एक्टिविटी कर सकता है मुझे बताएं कौन सा एंजाइम तेज होगा 70 सेंटीग्रेड वाला या 30 सेंटीग्रेड वाला 37 वाला फास्ट काम करेगा या 70 वाला फास्ट काम करेगा क्यों 70 वाला फास्ट काम करेगा काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूलर एक्साइटमेंट जो फेवरेबल कंडीशन है रिएक्शन करने के लिए ज्यादा होगी जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा कॉलिजन ज्यादा होगा वेरी गुड बच्चे ओके ये आपका टेम्परेचर हो गया टेम्परेचर का मैक्सिमम टेम्परेचर किसको कहेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर कहेंगे बुक में आपके में लिखा हुआ है एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम टेम्परेचर की मीनिंग क्या है मगर जो बुक में लिखी हुई है वो भी बता रहा हूं आपको बुक वाली को फॉलो करेंगे मेरी को फॉलो नहीं करेंगे मगर मैं दोनों चीज बता रहा हूं आपको मैक्सिमम टेम्परेचर बुक के अकॉर्डिंग कहते हैं जब एंजाइम डी हो जाए तो उसे मैक्सिमम कहेंगे मगर मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है मैक्सिमम टेम्परेचर उसे कहेंगे जब एंजाइम की लास्ट टॉलरेंस हो चर की लास्ट टॉलरेंस हो उसके बाद डीनेचर हो जाए जहां पे आखिरी स्टेज पर inactive है वहां पे मैक्चर कहेंगे मतलब maximum tolerance है इसके बाद खत्म हो जाएगा तो maximum और मिनिमम होती है मेरे अकॉर्डिंग आपके बुक में लिखा हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर वेयर एंजाइम डी नेचर बात तो ये मेरे हिसाब से गलत है मगर बुक कह रहा है क्या करें Every enzyme.

जिसका नाम है पीएच ये पीएच सुन लें भाई पीएच को सुन लें पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन टेम्परेचर का आपने ग्राफ देखा इतना लंबा बनाया मैंने जीरो सेंटीग्रेड दस बीस बहुत साठ तक बनाया पीएच का आप ग्राफ देखेंगे ना छोटा ग्राफ बनेगा मतलब पीएच जो है आपकी नेरो रेंज में काम करेगी पीएच से इंजाइम मोर सेंसिटिव है मोर सेंसिटिव है एंजाइम के एंजाइम ठीक है ना एंजाइम मोर सेंसिटिव है पीएच से थोड़ी पीएच में चेंज आएगी एंजाइम जो है वो टूट जाएंगे पीएच का मतलब क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर पीएच की बात करें तो पीएच किससे चेंज होती है एच और ओ एच से अगर कमेंट में बताएं एच इंक्रीज हो रही है तो पीएच इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है पीएच डिक्रीज हो रही है एसिडिक हो रही है अगर ओ एच इंक्रीज हो रहे हैं सेल में तो पीएच इंक्रीज हो रही है मतलब बेसिक हो रही है तो भाई दोनों पीएच हार्मफुल फॉर एंजाइम कौन सी पीएच एंजाइम इंजाइम लिए चाहिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए ये नहीं कह रहा हमें पीएच सात होनी चाहिए एंजाइम के लिए हर एक एंजाइम की अपनी अपनी पीएच है हर कोई एंजाइम अपनी अपनी पीएच पे काम करता है और उस पीएच को क्या कहेंगे हर एंजाइम की अपनी पीएच जहां पे एंजाइम एक्टिव मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे उसे क्या कहेंगे ऑप्टिमम पीएच या मिनिमम पीएच या मैक्सिमम पीएच? ऑप्टिमम पीएच ठीक है ना तो इन जनरल ये हो गई भाई एसिडिक ये हो गई बेसिक अब सुने अब सुने गौर से अगर ये आपका एंजाइम है पीएच ड्रीज हो गई एसिडिक हो गई तो क्या करेगी आप कहेंगे सर जब पीएच डिक्रीज होगी इसका मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ गए और जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो ये एक्टिव साइट पे आकर अटैच होंगे भाई एक्टिव साइट पे क्या अटैच होगा एंजाइम के पास क्या अटैच होगा बताएं 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 क्या अटैच होगा आप कहेंगे सर हर एक एंजाइम के एक्टिव साइट पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम मुख्तलिफ सबस्टेट से बाइंड करता है और उनको कैटालाइज करता है अगर यार मैं आपसे पूछूं कि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाए तो बताएं इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप कहेंगे सर हाइड्रोजन या ओचाइन अटेज हो मतलब पी एच के इंक्रीज डिक्रीज होने से ये होगा एच या ओच अटैच होंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे आयोनाइजेशन तो थोड़ी जब थोड़ी जब चेंज होगी ना थोड़ी पीएच में निगली जेबुल चेंज होगी तो एंजाइम की एक्टिव साइट आयोनाइ हो जाएगी आयोनाइज का मतलब क्या हुआ एच या ए चाहन चिपक जाएंगे जब एच या ए चाहन चिपक जाएंगे तो ये सबस्टेट को एक्टिव साइट पहचान ही नहीं पाएगी क्योंकि पहले एच और एच नहीं थे पहले एक मुख्तलि ग्रुप थे उनको तोड़कर इसने अपना पोटेंशियल दिखा के ये अटेज हो गई है तो एक्टिव साइट चेंज हो गई है स्पेसिफिक नहीं रही एसिड या बेस बिल्कुल दोनों कोई ना कोई अटैच हो सकते हैं एसिड या एसिडियाबेस तो मुझे बताएं आयोनाइजेशन का पता चल गया आयोनाइजेशन होने के बाद इंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्टिविटी है ज्यादा चेंज आए ज्यादा चेंज आएगी तो ज्यादा नुकसान होगा थोड़ी चेंज आएगी तो थोड़ा नुकसान होगा है ना वही बात हाँ हाँ तो समझ गए होंगे आप बिल्कुल तो जब ज्यादा चेंज आएगी तो एंजाइम को डी नेचर करेगी भाई कमेंट में बताएं क्यों ज्यादा चेंज इन पीएच ज्यादा पावर ज्यादा पावर तो बॉन्डिंग टूटेगी बॉन्डिंग टूटेगी तो 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 डी नेचर होगा भाई हाँ ठीक हो गया अभी ये कुछ आंकड़े लगे हुए हैं आपके सामने ये एंजाइम है उसकी ऑप्टिमम पीएच है फंक्शन आपको बताना है एंजाइम पेप्सिन टू ऑप्टिमम पीएच है 1.5 से 2.5 पॉइंट फाइव ऑन एन एवरेज पी है जनरली टू सिंथेक्स के अकॉर्डिंग 1.4 मगर इसको नहीं मानेंगे टू को मानेंगे हम हाइली एसिडिक कहाँ पे होता है स्टमक में होता है सुक्रेज एंजाइम 4.5 पॉइंट फाइव पी है भाई और इंटेरोकाइनेज एंजाइम सुक्रेज का काम भी बताना है आपको कमेंट में या जनरली आप सीख लें यही बहुत है इंटेरोकाइनेज इंटेरोकाइनेज का काम बताना है सारे बच्चों को कमेंट में इंटेरोकाइनेज ये 5.5 पॉइंट पे इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है और पेंक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है कैसे क्यों क्यों ये आपको ये बताना है कि ये एसिडिक में क्यों काम करता है क्यों एसिडिक होती है इंटेस्टाइन में पीएच जब ये सीक्रेट होता है वो कौन सा टाइम होता है जब ये सीक्रेट होता है वो कौन सा टाइम होता है और जब ये सिक्रेट करता है तो ये एसिडिक पी एच वहाँ पर क्यों होती है इंटेस्टाइन में सिल्वरी अमाइलेज़ की सिक्स पॉइंट एट पी एच लिखी होगी यहाँ ठीक है ना ये सिल्वरिया माइलेज का काम आपको बताना है और केटालेज की पी एच लिखी होगी सेवन पॉइंट सिक्स ठीक है बिल्कुल ये याद रखनी है भाई केमोट्रिप्सिन केमोट्रिप्सिन की मेरे ख्याल में सेवन टू एट है केड डारा रहा सेवन टू एट पी एच है और पेंक्रियाटिकल पेज पूछा गया है भाई पी एम सी में भी पूछा गया है की पी पीएच है नहीं, अर्जीनेज, अर्जीनेज, अर्जीनेज पे यूज होता है यूरिया को बनाता है ठीक है ना यूरिया बनाता है और उससे एसिड दूसरा बनाता है, और जो और है और यूरिया साइकिल अर्जिनिन प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट पे काम करता है यूरिया को बनाता है ये और की मैक्सिमम पीएच है ठीक है ना जो कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम है ब्लड के अंदर कार्बोनिक एनाइड्रेज जिसकी हमने बात की ये उसकी पीएच लिखी हुई है ठीक है ना बताएं यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का क्या कार्बोनिक एनाइड्रेज का क्या काम है ये आपको दो चीज़ें लाजमी लिखनी है तीन तीन एक इंटेरोकाइनेज की जो मैंने पूछा एक पेप्सन की सारी डिस्कस बतानी है और एनाइड्रेज का काम बताना है उसके बाद लाइजोजोम की पीएच बतानी है न्यूक्लियस के एंजाइम की पीएच बतानी है आपने ठीक है ना ये आपने बतानी है आज असाइनमेंट के भाई थे लगे पड़े हैं आज असाइनमेंट पे असाइनमेंट होगी क्योंकि आपको पढ़ाना है अब देखें अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपके सामने अगर मैं ग्राफ बनाऊं पीएच की जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ये वाई एक्स जो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को शो करेगी एक्स एक्स पी एच के वैल्यू को शो करेगी ये इंजाइम है एक जो के सॉरी 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 एक एंजाइम है जो के काम करता है दो सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वेलोसिटी पर बताएं इस एंजाइम का नाम एंजाइम का नाम बताएं कमेंट में पेप्सिन और एक एंजाइम है जो 4.5 तक मैक्सिमम एक्टिविटी करता है इस एंजाइम का नाम बताएं बी का जल्दी बताएं जल्दी ट्रिप्सिन कहाँ से आ गया 4.5 तक सुक्रेज एंजाइम की बात की थी हमने अमाइलेज सुक्रेज की बात की थी हमने और उसके बाद उसके बाद ये नाइन नाइन से दस के बीच ये नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट सेवन तक ये सी एंजाइम है नाइन पॉइंट सेवन तक काम कर रहा है बताएं इसका नाम अर्जिनेज और और, और 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 एक एंजाइम है सेवन से थोड़ा बहुत काम कर रहा है सेवन से ऊपर आठ के बीच काम कर रहा है इस डी इंजाइम का नाम बताएं ठीक है ना सिक्स पॉइंट एट पर एक काम करता है इंजाइम सिक्स पॉइंट एट पर सिक्स पॉइंट एट पर इस एंजाइम का नाम बताएं 6.8 वाले का सिल्वरी अमाइलेज स्लाइटली बेसिक में काम करेगा स्लाइटली एसिडिक में सिल्वरी अमाइलेज और पेंक्रियाटिक अमाइलेज में से बेसिक पीएच पर कौन कौन काम करेगा पेंक्रियाटिक और सिल्वरी अमाइलेज में से सिल्वरी स्लाइटली एसिडिक पेंक्रियाटिक बेसिक ओके ओके okay भाई आज के लिए इतना काफ़ी है आज के लिए इतना काफ़ी है सर भी आ रहे होंगे बल्कि आ गए हैं शायद हमारा टाइम पूरा और भी क्लास लेनी है हमें और भी क्लासेज लेनी है लास्ट क्लास है अभी आज के लिए इतना काफ़ी है कल सबस्ट्रेट और एंज़ाइम की कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे और कल बहुत सारा कल कल छुट्टी है कल छुट्टी करेंगे